हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कुछ रिक्रूटमेंट एयरफोर्स स्कूल से आई है, अगर आपका सब्जेक्ट बनता है तो अप्लाई कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट ही दिखा दूंगा ताकि आपका टाइम बच जाए। आगे सब्जेक्ट आपको दिखाऊँ उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, वीडियो का जो नीचे लाइक दिख रहा है ना वीडियो के ऊपर वो लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सब्जेक्ट की ओर। देखिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है TGT इंग्लिश के लिए, और TGT इंग्लिश के लिए जो एज क्राइटेरिया रखी गई है वो 21 से लेकर 50 तक रखी गई है। अगर आप 21 से 50 के बीच में हो आप अप्लाई कर सकते हो। आगे देख लीजिए, एक्स सर्विस मैन और वुमेन वगैरह को जो एज रिलैक्सेशन मिलती है वो 5 साल की है और उन लोगों को भी ये एज रिलैक्सेशन मिलेगी। आगे देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हो शुड बी एबल टू रीड राइट एंड कम्युनिकेट फ्लुएंटली इन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाते हो, लिख पाते हो, पढ़ पाते हो आप अप्लाई कर सकते हो। और डिजायरेबल में देखिए क्या क्या है। डिजायरेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास नहीं भी है तो काम चलेगा, आपको हिंदी जो है लिखना बोलना और पढ़ना आना चाहिए। साथ में सीटेट अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपकी एक्स्ट्रा वेटेज बनेगी। और 25,000 रुपये सैलरी प्लस 13% DA आपको यहाँ पे मिल जाएगा। TGT SST की रिक्रूटमेंट आई है, बैचलर्स के साथ साथ बीएड होना ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए फिर से इन्होंने सीटेट को मैंडेटरी नहीं रखा है, बिना सीटेट के भी आपका काम चलेगा। इसके बाद PGT हिस्ट्री की रिक्रूटमेंट आई है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि स्नोकोतर जो है आपका कितना 50% के साथ होना चाहिए ग्रेजुएट। उसके बाद बीएड जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन वो भी आपका 50% के साथ होना चाहिए। एज 21 से 50 तक सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट को यहाँ भी मैंडेटरी नहीं बल्कि डिजायरेबल में रखा गया है। PGT पॉलिटिकल साइंस की रिक्रूटमेंट है, सेम प्रोसेस इसके लिए भी रहेगा। स्पेशल एजुकेटर की भी रिक्रूटमेंट आई है और ये पार्ट टाइम अपॉइंटमेंट है यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। और इससे पहले वाले रिक्रूटमेंट जो थे वो यहाँ से आप देख सकते हो वो रेगुलर थे। आगे देख लेते हैं, आगे यहाँ से आप देख पाओगे इतना ही रिक्रूटमेंट है। अगर आपका सब्जेक्ट बनता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए, ये लास्ट डेट ना 31 अगस्त 2022 तक है। और यहाँ से एक ईमेल आईडी आप देख लो, ये देख लो afschooljam@yahoo.com पर आपको अपनी रेज्यूमे सेंड कर देनी है। और जो एप्लीकेशन बायोडाटा का फॉर्म है वो आप जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट देखिए यहाँ पे है, और उसे भर करके स्कैन करके आप ईमेल कर दोगे। ये रहा इनका ईमेल एड्रेस, इसी ईमेल एड्रेस पे आपको 31 तारीख से पहले भर देना है। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को रिटर्न और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो इस बात का खास ख्याल रखिए। ये रिक्रूटमेंट आई कहाँ से है, तो एयरफोर्स स्कूल स्टेशन 1 दिग्जाम मिल रोड जामनगर 361003 गुजरात से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई कर दीजिए। कुछ परमानेंट कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी यहाँ से आई हुई थी। थैंक यू सो मच।